नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बाय आरएमएन अनिका। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ में रिसेंटली लॉन्च ई लीव के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक कार्मिक संभव एप्लीकेशन यूज़ करके अपनी ई लीव के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि ई लीव लॉन्च हो चुकी है और अब हर कार्मिक को ई लीव के द्वारा ही अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई करना होगा। तो चलते हैं दोस्तों, समय ना गंवाते हुए बस मैं इतना कहूँगा कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि कोई भी स्टेप आपसे जो है मिस ना हो जाए। सबसे पहले दोस्तों, सभी जो कार्मिक है उनका संभव एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन होता ही है। आपने अपनी संभव एप्लीकेशन खोल देनी है। खोलने के बाद में जैसे यहाँ पर देखिए, आपको मेरा जहाँ पर अंगूठा दिख रहा है, यहाँ पर आपको तीन लाइन दिखेगी। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा। आपने थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे की तरफ में दिखेगा लीव वाला ऑप्शन। दो ऑप्शन होंगे, एक लीव स्टेटस और एक होगा लीव का ऑप्शन। तो सिंपली आपने यहाँ पे लीव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आप जो है क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पे ऑप्शन होगा सेलेक्ट लीव टाइप। तो आपने ये लाइन के ऊपर में क्लिक करना है और जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएगा कि आपको कौन से प्रकार की छुट्टी जो है जानी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लेते हैं कि मैं यहाँ पे जो है कैजुअल लीव अप्लाई कर देता हूँ कि मुझे कैजुअल लीव जाना है। नंबर ऑफ डेज़ की बात करें दोस्तों, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन की छुट्टी काटना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा अपना जो है 13 डेज़ का ईएल काटना चाहता हूँ, 30 डेज़ का सीएल काटना चाहता हूँ। तो मैं 13 डेज़ का सीएल अपने यहाँ पर अप्लाई कर लिया। उसके बाद में यूनिट एस्टैब्लिशमेंट, जिस यूनिट में आप प्रेजेंट हैं उस यूनिट को आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पे आता है आपका सेलेक्ट ब्रांच। ये जो कॉलम है दोस्तों, इस कॉलम के बारे में आपको बहुत जानना बहुत जरूरी है। ये जो आपको ब्रांच दिख रहा है दोस्तों, इसमें अलग अलग आपको कैटेगरी दिखेंगी। सबसे पहला देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्स, जिसके अंतर्गत में अगर आप सिग्नल स्टाफ के हैं मेंबर तो आपको ऑप्स का जो है फॉर्म ऑप्स के लिए आपको जो है अप्लाई करना होगा। इसके बाद में दोस्तों, अगर आप ADM 1-2 को देखते हैं तो ADM 1-2 के अंदर में जितने भी हेडक्वार्टर में अटैच पर्सन होते हैं, सब इंस्पेक्टर्स जो यूनिट्स के होते हैं और कंपनियों के जो भी अटैच पर्सन हेडक्वार्टर में होते हैं, उन्हें जो है ADM 1-2 के ऑप्शन को अप्लाई करना होगा। उसके बाद में जो नॉर्मल जो कार्मिक होते हैं, बी कॉय, एफ कॉय, जी कॉय, वो अपने अपने कंपनी के हिसाब से अपने अपने कॉय को जो है चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे हेडक्वार्टर ऑफिस दिख रहा होगा। इस हेडक्वार्टर ऑफिस के अंदर में जितने भी मिनिस्ट्री स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, ऑफिसर्स और इंस्पेक्टर रैंक, यानी कि इंस्पेक्टर से 2 रैंक तक जितने भी अधिकारी आते हैं वो हेडक्वार्टर ऑफिस को जो है चूज़ करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा QMG। तो QMG के अंदर में दोस्तों, बताया था मैंने, MT और ट्रेड स्टाफ जो होता है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। MT और ट्रेड स्टाफ वाले QMG वाले कॉलम को अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे एक दिख रहा है आपको HQI। HQI में जितने भी जो हेडक्वार्टर की जो पोस्टेड स्ट्रेंथ है परमानेंट, वो HQI को अप्लाई कर देगी। इसके अलावा बाकी जो भी आपके ब्रांचेस हैं, कंपनी है, वो आपको चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरा रैंक इंस्पेक्टर है तो मैंने बताया था कि इंस्पेक्टर रैंक जो होगा वो हेडक्वार्टर ऑफिस को चूज़ करेगा। चूज़ करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेलेक्ट फॉरवर्डिंग अथॉरिटी। सेलेक्ट फॉरवर्डिंग अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे है कि मेरी जो एप्लीकेशन है उसको कौन फॉरवर्ड करेगा। तो यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एट प्रेजेंट जो हेडक्वार्टर जो है मेरा, उसमें जो फॉरवर्डिंग अथॉरिटी है वहाँ पे एक हमारे जो स्टेनो है अमित कुमार, उनका नाम दिया गया है, तो मैं उनको यहाँ पे चूज़ कर लूँगा। यहाँ पे चूज़ करने के बाद दोस्तों, अब बात आती है कि छुट्टी आपको कब से कब तक काटनी है। तो ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मुझे छुट्टी कब जाना, तो यहाँ पर मैं बॉक्स पर क्लिक करूँगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि मुझे छुट्टी जाना है मार्च के महीने से, क्योंकि उसमें RH GH ज़्यादा पड़ रही है और मुझे आपको समझाने में थोड़ा आसानी भी रहेगा कि कैसे आपने RH और GH को चूज़ करना है। तो मैं काम करता हूँ कि मैं मार्च के महीने में 26 तारीख यानी कि मंगलवार से छुट्टी को अप्लाई कर देता हूँ। और यहाँ पे जाने के बाद में मैं इसको जो है ओके ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पे जब आप की जो डेट चूज़ कर लेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना एक रीज़न देना हो तो रीज़न में आप कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे को जो है यहाँ पे जो है कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं ये छुट्टी जो है अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं लिख दूँगा डोमेस्टिक प्रॉब्लम। और उसके बाद में यहाँ पे एक बार मैं इसको अच्छे से पढ़ लूँगा कि मेरी कैजुअल लीव है 13 डेज़ की, ये कैजुअल लीव है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि नहीं भी 13 डेज़ कम हो गया है, मुझे बढ़ाना है, तो यहाँ पे मैं इसको 15 डेज़ भी कर सकता हूँ। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना उसको करना चाहते हैं। तो मैं दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने जो है रीचेक करते वक्त दोबारा क्या किया, मैंने 15 डेज़ सीयर कर लिया। 171 बटाई मेरी हो गई है, हेडक्वार्टर ऑफिस है मेरा, मेरे जो डीलिंग है वो अमित कुमार है जो कि फॉरवर्डिंग अथॉरिटी है। छुट्टी मुझे 26 मार्च से जाना है। प्रॉब्लम थी, मेरी रीज़न था वो डोमेस्टिक प्रॉब्लम था। अब दोस्तों, चेक करने के बाद में मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पेज जो आपके सामने खुलेगा वो ये आएगा कि जिसके अंदर में आपको चूज करना होगा कि आपको संडे GH और RH कब कब लेना है। तो दोस्तों,
आपको जो यहाँ पर दिख रहा होगा, हर एक बॉक्स यहाँ पे जो बना हुआ है जिसमें डेट लिखा गया है, और जिस भी बॉक्स के ऊपर आपको ब्लू रंग का सेलेक्ट का निशान दिख रहा है, उसे दोस्तों आपको यहाँ पे जो है चूज़ करना होगा। चूज़ कैसे करना है, आपको इससे पहले पता होना चाहिए कि आपके छुट्टी के दौरान में कितना GH और कितना संडे पड़ रहा है। अगर वो नहीं भी पता है तो ऑलरेडी जो है कंसर्न डीलिंग ने जो है आपके यूनिट के और आपके जो सेक्टर है उसके हिसाब से आपकी GH RS जो है फीड कर दी होगी। तो फॉर एग्जांपल मैं छुट्टी अप्लाई की थी 26 मार्च से, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मुझे जो है संडे मिलने का ऑप्शन मिल रहा है, तो जी हाँ मैं संडे लूँगा। जैसे मैं इसको सेट करूँगा, देखिए यहाँ पे ये पहले हल्का जो है ग्रे कलर का था, जैसे मैं सेट करता हूँ यहाँ पे ग्रीन कलर का हो जाता है। उसके बाद मैं नेक्स्ट 25 तारीख को GS दिखा रहा है, तो जी हाँ मैं GS भी लेना चाहता हूँ, तो मैं GS भी ले लिया। उसके आगे यहाँ पे देखिए बीच में एक GH और पड़ रहा है 29 मार्च का, तो जी हाँ मुझे 29 मार्च का GS चाहिए, तो मैं इसको भी सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद में आगे चलेंगे तो आपको RS यहाँ पे दिखा रहा है 5 अप्रैल का, तो जी हाँ मुझे RS भी चाहिए, तो मैं इसको भी सेट कर लूँगा। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, फिर एक और RS मिल रहा है 9 तारीख का, मैं इसको भी ले लेता हूँ। और एक संडे पड़ रहा है जो कि 11 अप्रैल का है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट हॉलीडे आपको देखने को मिल जा रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस प्रकार से दोस्तों आप चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। बस बात ध्यान रखनी है आपने कि जो रीजनल हॉलीडे होते हैं, आपको पता है कैजुअली में 2 दिन ही आपको रीजनल हॉलीडे मिलते हैं। आप अगर जो है बाय मिस्टेक अगर चूज़ भी करना चाहेंगे, जैसे कि मैं यहाँ देखिए यहाँ पे कोई 2 RH मैंने चूज़ कर लिए हैं, और मैं अगर इसको चूज़ भी करना चाहूँ तब भी जो है ये चूज़ नहीं करने देगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा नीचे जिसमें लिखा हुआ आ जाएगा कि मैक्सिमम RS लिमिट रीच्ड, यानी कि आपकी जो RS लेने की जो लिमिट है वो रीच्ड हो गई है। तो इस छुट्टी के अंदर में देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपना जो है संडे RH और GH मैंने चेक कर लिया है, मैंने ले लिया है। सब कुछ लेने के बाद में अगर आपके पास में कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि मेरा जो है मेडिकल इमरजेंसी का डॉक्यूमेंट था, या कि मैं शादी की वजह से जा रहा हूँ तो मैं अपना एक शादी का कार्ड डालना चाहता हूँ, तो यहाँ जा करके आप उससे अपलोड भी कर सकते हैं, और अगर बिना उसके भी आप चाहते हैं तो एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास भी कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, अब सीधा मैंने अपनी छुट्टी चेक कर ली है, और फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। सबमिट वाले ऑप्शन क्लिक करते ही दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ जो है आपके सामने ऐसा पॉपअप आएगा, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आपको दिख जाएगा लीव कब से जा रहे हैं आप, 26 मार्च से, और लीव कब तक हो रही है मेरी, 16 अप्रैल 2024 तक। ये 15 दिन की CL है जो 26 मार्च से 16 अप्रैल तक है, जिसमें संडे जो है दोस्तों मैं जो चूज़ किया था उसमें 24 का संडे मिला है, 31 का संडे मिला है, 7 अप्रैल का और 14 अप्रैल का, यानी कि 4 संडे मुझे मिल गए हैं। बाद में जो RH है वो 5 अप्रैल और 9 अप्रैल, यानी कि 2 RS मुझे मिल गई है, और लास्ट में जो गवर्नमेंट हॉलीडे है GH है वो 25 मार्च, 29 मार्च और 11 अप्रैल का मिल गया है। मेरी रिपोर्टिंग डे तो दिखा रहा है दोस्तों, दिखा रहा है 17 अप्रैल 2024। इस प्रकार से इस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं भाई ये गलत हो गया है, मुझे दोबारा जो है इसको ठीक करना होगा, अब दोबारा जाइए बैक करिए, और यहाँ जाके अपना जो है मान लीजिए कोई चाहता नहीं भाई मुझे जो 9 तारीख का RS ही चाहिए, मुझे चाहिए RS 13 तारीख को, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है अपनी छुट्टी को आप अपने किस प्रकार से मैनेज करना चाहते हैं। तो ये चेक कर लिया, कोई चेंजेस है आप चेंजेस कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर आप सबमिट का बटन क्लिक कर देंगे। सबमिट का बटन क्लिक करते ही दोबारा से लोडिंग करेगा, एक बार आपने चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको यहाँ देखेगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट ई लीव, सब कुछ अगर ठीक है तो वो पूछ रहा है कि क्या आप श्योर है अपनी ई लीव सबमिट करने के लिए, तो यहाँ पे आपने पे क्लिक करना है, और यहाँ जाने के बाद दोस्तों आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ सबमिट पे क्लिक करते ही आपकी जो ई लीव होगी दोस्तों वो कंसर्न डीलिंग के पास चली जाएगी, जो कि फॉरवर्डिंग अथॉरिटी होगा। अब दोस्तों बात आती है कि आप अपने लीव का स्टेटस कैसे देख पाएंगे। फटाफट जो है आपने 3 लाइन पे क्लिक करना है, इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में लीव के नीचे आपको दिखेगा लीव स्टेटस, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा 15 डेज ईयर मैंने 26 मार्च 2024 से जो अप्लाई कर रखी है, और यहाँ दिखा रहा है अभी अंडर प्रोसेस, यानी कि मेरे जो फॉरवर्डिंग अथॉरिटी है उसने अभी तक उसको फॉरवर्ड नहीं किया है। जब वो फॉरवर्ड कर देंगे तो ये आगे चली जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं जो हूँ छुट्टी जो है मैंने अप्लाई कर दी थी, पर मेरा जो कोई रीज़न हो गया कि मैं छुट्टी को जो है अब कैंसिल करना चाहता हूँ, तो कैसे कैंसिल करना है आपने यहाँ पे जाना, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पॉपअप आ गया है आर यू श्योर वांट टू कैंसिल द अप्लाइड लीव, कि आपके अपनी छुट्टी को कैंसिल करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों मैं छुट्टी को अभी कैंसिल करना चाहता हूँ, मुझे छुट्टी नहीं जाना है। यहाँ जाके कोई रीज़न को जान चाहते हो आप रीज़न जा सकते हैं, कुछ भी आप टाइप कर दीजिए, रीज़न कर दिया आपने यहाँ पर लिख करके, और यहाँ पे जा करके आपने जो है सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी छुट्टी देखें यहाँ पे जो प्रोसेस में थी वो अभी आप कैंसिल में दिखने लग जाएगी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों, जिससे आप जा कर के अपनी ई लीव को अप्लाई कर सकते हैं। ई लीव अगर आपने अप्लाई कर दी है, कोई गलती होगी तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे कार्मिक जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ई लीव को कैसे अप्लाई करना है, वो इस वीडियो को देखकर सीख करके अपनी ई लीव को जो है अप्लाई कर सकते हैं। डिजिटल मोड का ज़माना आ चुका है, तो सभी जवान हमारे जो हैं वो डिजिटल मोड में हो जाने चाहिए और अपनी जो लीव है वो ई लीव के माध्यम से अप्लाई करने चाहिए। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा, पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।